कट कैसे लगा हुआ है? देखो यार, प्रोडक्ट तो डैमेज है क्योंकि ये आपके दोनों पैरों को बिल्कुल अच्छे से पकड़ लेता है। ये अपना काम पूरा 100% कर रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन सराफ और आप हमारे चैनल आईडी। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम अपने RC390 की बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, एक आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट के साथ। तो असल में होता ही है कि जब भी मैं बाइक को सिटी या फिर हाईवे दोनों में, बट ज़्यादातर प्रॉब्लम मुझे सिटी में होता है क्योंकि सिटी में आप फास्ट स्लो जैम ये सब में ही रहते हो, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें होता ही है कि आप बाइक में आगे यहाँ पर बैठो या फिर यहाँ पर पीछे बैठो, अगर आप स्पीड में ब्रेक मारोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो कि आपको मतलब ग्रिप दे, आपके पैरों को ग्रिप दे, ऐसा नहीं लगेगा मतलब जिससे कि आप बाइक को ऐसा फील करो कि होल्ड करके रखते हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे ही मैं ब्रेक मारता हूँ बिल्कुल सडनली आगे बिल्कुल जोर से यहाँ पे चोट लगता है। तो ऐसा बार बार नहीं होता, बट इरिटेशन तो होता है, बट और कभी कभी तो काफ़ी जोर से भी लग जाता है चोट अगर इमरजेंसी ब्रेक आप करो तो। तो उसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट परचेस किया है जो कि ऑटोलॉक डिजाइन का है, जो कि टैंक के लिए है। तो ये रहा वो प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी पैकेजिंग है, एक पेपर से पेपर वाले पाउच में बस डाल के ये दे दिया है प्रोडक्ट। और सच बताओ तो पैकेजिंग से तो लग रहा था ये बिल्कुल लोकल सा है, बट मटेरियल तो काफ़ी सही है इसका। और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी एक पेपर टेप या फिर किसी भी टेप को, जिससे आप मार्किंग कर पाओ कि आपको एग्जैक्ट से लगाना क्या है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं जहाँ पर लगाऊँगा एग्जैक्ट आपको भी वहीं पर लगाना है, क्योंकि हर किसी का हाइट अलग अलग होता है और राइडिंग पोजीशन भी अलग होता है। कोई आगे बैठ के बिल्कुल चलाता है, जैसे कि मैं बिल्कुल आगे बैठ के ही चलाता हूँ यहाँ पे, और कोई पीछे भी बैठ के चलाता है, अपना अपना तरीका है बाइक चलाने का। तो बस ये ध्यान में रखना है कि लगाते कैसे हैं। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं अपने बाइक में जल्दी से। और हाँ, लगाने से पहले एक और बात, आप जब टैंक पैन लगाने जाओ तो उसके पहले उस एरिया को अच्छे से बिल्कुल वॉश कर लो, शैम्पू से वॉश कर लो, ताकि यहाँ पे बिल्कुल भी अगर आप कभी पॉलिश लगाए हुए भी हो तो बिल्कुल हट जाए, वरना बाद में ये टेप उतर जाएगा। और मुझे लगता नहीं है, जैसे कि दिख रहा है मुझे बिल्कुल, आपको भी दिख रहा होगा साइड साइड में ही बस 3M का टेप दिया हुआ है। क्या पता ये कितना दिन टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है। तो बट फिर भी देखते हैं, जो भी होगा आपके सामने होगा मैं आपको भी बताऊँगा इसका रिव्यू। तो फिलहाल तो मैंने बाइक को वॉश कर लिया है और इसे एक बार अच्छे से मैं और पोछ लूँगा और उसके बाद इसे फिट करेंगे। आपको पहले अगर इसको मार्क कर रहा है, उससे पहले आपको बैठना और बाइक पे, कि आप बैठते कैसे हो आपको और आपका पैर बाइक पे कहाँ तक जाता है। आप जिस भी राइडिंग स्टाइल में ज़्यादातर बाइक राइड करते हो उस तरीके से आपको बैठना होगा बाइक पे और आपको चेक करना होगा कि आपका पैर कहाँ पे है। तो ये मैं बिल्कुल आगे होकर बैठता हूँ, तो ये मेरी पैर बिल्कुल यहाँ पे है और आपको यहीं पे मार्क करना होगा लगा के एक बार कि टैंक पैड कहाँ जा रहा है और आपको कहाँ से कहाँ तक ही चाहिए ये। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मुझे लग रहा है कि मेरा यहीं पे आएगा। अच्छे से चेक कर ले, पीछे से बैठ के चेक कर ले अगर आप पीछे चलाते हो वो कहाँ पे चाहिए। मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, थोड़ा और नीचे आएगा, ये परफेक्ट। ये बिल्कुल पैरों के बीच में होना चाहिए, ये नहीं कि पैर आपका नीचे हो और टैंक पैड आपके यहाँ पे लगाओ, तो फिर कोई फायदा नहीं है इसे लगाने का। तो इसलिए बिल्कुल पैरों के बीच में आना चाहिए आपके थाइस पे, जिससे आप बिल्कुल बाइक को होल्ड कर पाओ। और ये लगाने के बाद ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये काफी सही है। ये जो है यहाँ पे लगेगा और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमारा RC390 में पैर यहाँ तक आता है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और ये यहाँ पे परफेक्ट, तो चलिए मैं इसे स्टिक करता हूँ। तो यहाँ पे लगाना है कुछ ऐसे, थोड़ा नीचे साइड में लगता है टैंक पर। वो यहाँ पे कट कैसे लगा हुआ है?
देखो यार प्रोडक्ट तो डैमेज है, खैर उतना से कुछ होगा नहीं। हो गया मेन कंप्लीट, बीच का रह गया वो दिख रहा, वो काफ़ी सही लग रहा है। तो इस लाइन को ऐसे मिला के हमें लगाना होगा ताकि देखने में भी सही लगे और हमारा काम भी सही हो। और ये लगेगा कुछ ऐसे, तो जल्दी से अब लगाते हैं इसे। ये रहा ऊपर का कंप्लीट, और इसको कम हटा देंगे। अब लगाएंगे नीचे का। ये हो गया हमारा एक साइड कंप्लीट, और बिल्कुल इसी तरह हम उस साइड भी कर लेंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से इस साइड का कर लेंगे। टैंक पैड इंस्टॉल कर दिया हमने बिल्कुल अच्छे से। तो ये रहा इस साइड का, ये सेंटर, और ये रहा इस साइड का। तो चलिए एक बार इसको रोड पे लेके चलते हैं और बताते हैं कि ये काम कैसा कर रहा है। तो हम आ चुके हैं पटना। इस टैंक पैड को लगा के मैंने लगभग 250 किलोमीटर राइड कर लिया है। अगर आप 390 या फिर RC कोई भी राइड कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हो बाइक से, क्योंकि इसमें कहीं ऐसा है नहीं जिसको आप मतलब पैर जिसमें आपका फंसे, ये बिल्कुल प्लेन है, और ब्रेक जब भी आप लोगे तो आप ऊपर की तरफ खींचे चले आओ, मतलब ऊपर की तरफ आप घिसक जाते हो बार बार। बट अब इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी कितना भी स्पीड में मैं राइड करूं, ब्रेक करूं, मैं जैसा करता था वैसा ही बैठा रहता हूं। मतलब मैं ज़रा सा भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी नहीं घिसकता, और ये काफ़ी बाइक के साथ आपको कनेक्टेड फील कराता है। आप ऑल द टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपने बाइक को होल्ड करके रखा है, क्योंकि ये आपके दोनों पैरों को बिल्कुल अच्छे से पकड़ लेता है। ये अपना काम पूरा 100% कर रहा है। मुझे ज़रा सा भी इस पर मतलब बिल्कुल भी इससे कंप्लेन नहीं है। लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे इसको लगाने के बाद, थोड़ा बाइक हेवी सा लग रहा है। बस आज के लिए इतना ही, और इन फ्यूचर जो भी इसमें अगर प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लग भी रहा था कि इसमें जो ये ग्लू है ये क्या पता टिकेगा या नहीं टिकेगा, बट फिलहाल तो बिल्कुल सही लग रहा है। ज़रा सा भी मुझे कहीं से प्रॉब्लम इसमें दिख नहीं रहा। तो जब ऐसा पूरा लगा दो उसके बाद इसे सारी साइड में जहाँ जहाँ पे टेप है साइड आउटर साइड में जो है उसे अच्छे से आप दबाते रहो कुछ देर, मतलब दबा के अच्छे से कर लो ऐसे थम से, ताकि जो भी अगर थोड़ा बहुत भी उसमें बबल हो या फिर जो छूटा रह गया हो वो अच्छे से बिल्कुल पकड़ ले बाइक की बॉडी को। तो मैं ये तो काफ़ी बार करूँगा अभी। तो बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।